नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कितना सुंदर सा प्लांट लेके आई हूँ जो विंटर्स में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये पूरे साल ही चल जाता है, लेकिन विंटर्स में जो ठंडा मौसम होता है इसको वो पसंद होता है, और ये विंटर्स में बहुत अच्छे से कलरों में आता है। इसके बहुत से शेड्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कोलियस प्लांट की, जो बहुत ही प्यारा सा शेड का कलर है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्लांट है। और कोलियस जो प्लांट है बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और केयर भी इसकी कम है, और इसको सनलाइट की भी कम ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं आपको कोलियस प्लांट की केयर के बारे में और प्रोपोगेशन के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों मेरे पास कुछ शेड हैं, पहले आप वो शेड देख लीजिए। एक तो शेड ये है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसके अलावा एक शेड ये भी है मेरे पास, और इसके अलावा एक ये डार्क शेड जो भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा मेरे पास दो एक कटिंग भी लेके आई हूँ मैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारे से शेड की है, और इसके अलावा एक कटिंग ये है। अभी इनको लगाए मुझे एक दो दिन ही हुए हैं, इसलिए ये थोड़ी सी मुरझाई हुई है, कुछ दिनों में ये एकदम ठीक हो जाएगी। विंटर्स का जो अभी का जो टाइम है ना दोस्तों, ये इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, लाइट डार्क, और ये प्लांट वैसे पूरे साल चल जाता है। समर्स में थोड़ी सी इसको केयर की ज़रूरत होती है, बाकी ये प्लांट जो है बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा सूखी मिट्टी इसको चाहिए। अगर ज़्यादा गीली कर देंगे मिट्टी को तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, बिकॉज इसकी स्टेम जो होती है, देखिए दोस्तों ये ना हार्ड नहीं होती, ये सॉफ्ट होती है, इसमें बहुत सा पानी स्टोर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं समर्स में तो इसको डेली वाटरिंग करती हूँ, बट विंटर्स में इसको हफ्ते में एक बार या दो बार ही वाटरिंग करती हूँ। जैसे कि इसकी मिट्टी अगर मुझे लगे ड्राई है तभी मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, और वाटरिंग से ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और सनलाइट की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट अगर आप इसको रखेंगे विंटर्स में, विंटर्स की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, अगर आप विंटर्स में इसको रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में, तो इसकी जो ये लीव्स है ना ये फेडेड हो जाएंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा, जो इसमें शाइन है जो इसका शेड है इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ एक से दो घंटे की धूप आती हो या फिर ब्राइट लाइट आती हो। ये जो है डायरेक्ट सनलाइट में चल जाएगा विंटर्स में, लेकिन जो इसकी लीव्स हैं वो फेड हो जाएंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ एक से दो घंटे की धूप आती हो या फिर ब्राइट लाइट आती हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की, तो ये इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी चल जाती हैं। मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं, देखिए ये अच्छे से चल चुकी हैं, ये देखिए, ठीक है। और अभी वाला टाइम जो ऐसी कटिंग्स बड़ी आराम से चल जाती हैं। और दोस्तों अगर इसको आपको ज़्यादा बुशी बनाना है तो आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। और इस प्लांट के ऊपर क्या होता है, जैसे कि हमारे तुलसा जी के प्लांट में मंजरी आ जाती है, वैसे इस पर भी छोटे छोटे से फ्लावर, मंजरी जैसे फ्लावर आ जाते हैं। अगर वो आपके प्लांट में होते हैं तो आप उसको पिंच कर दीजिए, बिकॉज उसके बाद आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर आप इसको कटिंग करते रहेंगे ना, अगर आप इसको लंबा प्लांट बनाएंगे इस तरीके का, तो ये देखिए नीचे से सारी लीव्स ख़त्म हो जाएंगी, और ये प्लांट जो है अच्छा नहीं लगेगा, बुशी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करते रहना चाहिए, इसकी कटिंग करते रहना चाहिए, जिससे ये प्लांट की नीचे से न्यू शूट्स निकलती रहेगी, और आपका जो प्लांट है यंग रहेगा, ओल्ड नहीं होगा, और कभी भी ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको वाटरिंग का बताऊं तो अगर मैं आपको इसका खाद का बताऊं तो आप महीने में एक बार कोई भी खाद दे सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है, और या आप महीने में दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी इसकी बहुत ही छोटी सी केयर। और अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आप इसको पोट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, छोटी सी बॉटल में लगा सकते हैं। कि देखिए मैंने इसकी कटिंग जो है छोटे से गमले में लगा रखी है, इसमें भी ये आराम से चल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत से शेड्स आते हैं, अगर आप इसको अपने बालकनी गार्डन में या अपने गार्डन में अगर इसको ऐड करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक अलग सा कलर आपके गार्डन में आ जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये फ्लावर से भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इसके शेड बहुत ही प्यारे होते हैं। तो दोस्तों इसको ट्राई कीजिए, और जो मेरी टिप्स है उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।